Assalamualaikum guys. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. तो मैं और वोरा रजेन, we are back again. हम लोग जा रहे हैं अभी डी मिल हाउस, that is also known for haunted things. Guys, so we are planning that we will go from here to the Boring Bridge. वो भी यहाँ से नज़दीक है. That is also known for the haunted place as well. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी. नज़दीक ही है, अराउंड 4 kilometers यहाँ से. अराउंड 5-10 minutes का रास्ता है. तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं. तो ये जो है आ चुके हैं. दिस इज द ब्रिज आई गेस. वहाँ पे न्यू बोरिंग ब्रिज अब यहाँ तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत हाइड हो चुका है. मैं दिखाता हूँ आगे जाके. पीछे यहाँ पे है शिपयार्ड पीछे की तरफ, एंड ये रहा न्यू ब्रिज. तो एक्चुअली हमने लोकेशन बढ़ा रहा था, हमको वहाँ पे दिखाया नीचे की तरफ न्यू ब्रिज के पास, बट दिस इज द ओल्ड ब्रिज. गाइस, तो इफ यू कैन सी, दिस इज अ वेरी नैरो एरिया. मतलब यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है. सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल दिस ब्रिज इज. और एक्चुअली मैंने अभी अभी देखा है कि 10 months बैक यहाँ का जो ब्रिज था, एक्चुअल ब्रिज, वो टूट चुका है. ओके, ऑन द न्यूज़ आई सॉ, यूट्यूब पे मैंने मार के देखा, एंड आई वाज लाइक ओ नो, ये क्या हुआ. सो ये ऐसे जाली लगी हुई है, एंड हियर इट इज़ ओपनड अप, यू कैन गो लाइक दिस, एंड दिस इज़ अ शिपयार्ड. ऐसा है. तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेच होता था. सो आई विल पुट अ वीडियो ओवर हियर इफ यू कैन सी. एक स्ट्रेच होता है यहाँ पे जो वहाँ तक था, थोड़े हाफ वे तक था. ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट वॉज स्टिल देयर. पीपल यूज टू गो देयर एंड दे यूज टू, यू नो, आई थिंक रिकॉर्ड वीडियोज एंड ऑल. बहुत से ट्रेंडिंग वीडियोज हैं यहाँ के, बट आई थिंक बिकॉज देर इज़ अ शिप यार्ड दैट साइड, उसकी वजह से एंड शिप्स को ट्रैवल करने थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा. तो आई सी दैट बोथ द साइड्स दे हैव ब्रोकन द ब्रिज. वो साइड भी था, ये साइड भी था. तो आई थिंक टूट गया होगा बिकॉज इट वॉज ऑल्सो वीक एंड बहुत रिस्की था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे टूरिस्ट थे जो आ रहे थे बार बार, तो एक उनके लाइफ के लिए भी रिस्क था. तो मैं यहाँ की कहानी बताता हूँ आपको. तो यहाँ की कहानी ऐसी थी कि दिस वॉज अ ब्रिज वेयर पुर्चुगीज हैड बिल्ड इट. ओके, एंड आई हैव सीन दिस ऑन द नेट कि पुर्चुगीज ने ये ब्रिज तोड़ दिया था बिकॉज इंडियन आर्मी नहीं आ सके इस तरफ. एंड आई डोंट नो विच साइड इट वॉज, शायद वो ये साइड होगा या वो साइड, इवन आई डोंट नो. बट द स्टोरी इज दैट कि बहुत से लेबर्स ने यहाँ सेक्रीफाइस किया था जब वो बना रहे थे ब्रिज को. एंड बोला जाता है कि ऐसे उसमें है, गूगल पे बताया गया है कि यू कैन, यू नो, इफ़ यू कम हियर इन द नाइट यू विल सी अ वुमेन सिटिंग अराउंड ऑन दिस ब्रिज एंड लिटरली आस्किंग फॉर हेल्प. और कभी कभी ऐसे भी है कि कुछ कुछ लोग ने देखा है कि वो औरत जंप कर रही है ब्रिज के ऊपर से. एक्चुअली ये कहानी बहुत फेमस है बोरिंग ब्रिज की. अगर आपने नेट पर डाला होगा बोरिंग ब्रिज के बारे में तो बहुत फेमस है, एंड लिटरली है ऐसा. बट वो व्यू अच्छा था, एक साइड व्यू, मतलब एक जो बोलते हैं ना साइड में जो था, एंड दैट व्यू वॉज रियली गुड. आई विल जस्ट पुट सम पिक्स ओवर हियर. दिस आर द पिक्स, यू कैन सी इट इज़ रियली गुड. बट ये वाला हिस्सा तोड़ दिया गया है एंड नाउ दिस इज द व्यू. एंड बिकॉज ऑफ दैट, एक्चुअली इफ यू सी, यहाँ पे भी बहुत रिस्की है. यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, पार्टीशन ऐसे है, एंड वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ नीचे से भी आप खड़े रह के देख सकते हो. वो तो दूसरा रोड जाता है नीचे. मैंने सुना है बोरिंग ब्रिज के बारे में बहुत सी चीज़ें, बट दिस वॉज द मेन थिंग कि एक लेडी आपको यहाँ मिलती है, वो आपको बैठी हुई दिखेगी. बट वो ब्रिज था तब तक होगा. आई डोंट नो इफ इट इज़ नाउ स्टिल, आई रियली डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू दोज पीपल. तो ऐसे वो लोग ने वैसे तो बंद वहाँ पे किया है, बट बिकॉज दैट थिंग इज़ ओपनड अप, शायद गाड़ी और स्कूटर्स के लिए भी. बट आई होप यहाँ पे भी कुछ बैरिकेड अगर लगा दे गवर्नमेंट और बंद कर दे इसको, तो इट विल बी गुड फॉर अ सेफर साइड. क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो पूरा जंगल है लिटरली. आई डोंट थिंक वहाँ उस तरफ कोई आता होगा. तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं जूम करूँ, सो लिटरली ये पूरा जंगल जैसा है. और वहाँ पे ऐसा है कि आई डोंट थिंक कोई आता होगा. बहुत टाइम से वो जगह बंद थी, लाइक ब्रिज ऑलरेडी उस एंड तक टूट गया था. नहीं, ब्रिज बीच में से टूटा हुआ था. वहाँ पे अगर वो पत्थर दिख रहा है तेरे को, वहाँ तक एक ब्रिज का पोर्शन था और यहाँ तक एक ब्रिज का पोर्शन था. ये जो आखिरी पोर्शन है, तो 10 months पहले वो ब्रिज गिर गया. क्योंकि आई थिंक क्योंकि बहुत वीक था, वो ऑटोमेटिकली गिर गया. क्योंकि लोग ने उसका वीडियो भी डाला है, इवन द न्यूज़ पीपल ने डाला है. बट द व्यू इज़ रियली गुड. एक बहुत
अच्छा व्यू आ रहा है, वो भी एक हिल साइड अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको भी एंड कर दूँ, बिकॉज कुछ और एक्सप्लोर करना है हमको, और हॉन्टेड जगह, मतलब आई मीन वट एवर इज टोल्ड हॉन्टेड एंड वट एवर इट इज़, आई वुड रियली लव टू गो एंड सी वॉट इट इज़ एंड एक्सपीरियंस इट। ओके एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग मोर। फिलहाल तो मैं इसके साथ आया था एक्सप्लोर करने, क्रीपी भी थी वो जगह। हाँ अभी एक्सेप्ट करो कि क्रीपी भी थी। वाह लो, पहले मेरे पे इंजाम डालो कि गोए नहीं गोए नहीं, ऐसा नहीं है। सो गाइज इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टारगेट पूरा करो। एंड वी आर ऑल्सो लिविंग फ्रॉम हियर, अभी डायरेक्टली हम घर जा रहे हैं, और जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो हम लोग दूसरे दिन कर रहे हैं। वी हैव अ प्लान, वी नॉट शो, इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल डेफिनेटली डू दैट। अभी तो यहाँ से झुक के जा रहे हैं। आई रियली होप आई वुड हैव सीन दैट वीडियो, आई मीन सॉरी, आई रियली होप आई वुड हैव सीन दैट ब्रिज। तो मैं एक्चुअली मैं आप लोग को दिखा सकता था हाउ गुड इट वॉज लुकिंग। ये नया ब्रिज है एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दैट इज़ अ न्यू ब्रिज। हम लोग एक्चुअली उस तरफ ही गए थे, बट बाद में पता चला दिस इज द ओल्ड ब्रिज, तो वो इस तरफ कंस्ट्रक्ट हुआ है। सो गाइज मसला में टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।